All of you, I'm putting the recording on. Thank you. आज का सब्जेक्ट इंट्रोडी व्हीलिंग का सब्जेक्ट. इंट्रोडी व्हीलिंग के लिए संजीदा जी, क्लास इज हैंडेड ओवर टू यू. यू मे प्लीज कंटिन्यू इंट्रोडी व्हीलिंग. थैंक यू. सो इंट्यूटिव हीलिंग. सो आई थिंक सबको पता होगा व्हाट इज इंट्यूशन, बिकॉज यू नो इट्स लाइक, एक छोटे से वर्ड में बोलूं तो इट्स लाइक अ गट फीलिंग जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं ना, मेरा गट ये बोलता है, मेरा गट वो बोलता है. तो जो हम सबके साथ होता है, हम सबके पास है, वो इंट्यूटिव. इनफैक्ट इंट्यूटिव हीलिंग में हम लोग सीखेंगे प्लांट्स भी कैसे हमारे साथ बोलते हैं, कितने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे इस धरती पे, सबके पास ये पावर है इंट्यूटिवली कैसे ट्यून करना है, कैसे किसी को गाइड करना है, कैसे सपोर्ट करना है, कैसे एकजुट होके वननेस क्रिएट करना है. सो ये जब इंट्यूटिव हीलिंग जब आया, वी वर लाइक ओके, ये इंस्टीट्यूट ने इतना सारा हीलिंग मोडालिटी दिया है हमें, इट्स लाइक यू नो इट्स वास्ट, बोल भी नहीं सकते, इतना सारा हीलिंग मोडालिटी दिया है जिसके माध्यम ही इंट्यूटिव है ना. चाहे जैसे अभी सर ने बोला, टैरो हो या आकाशिक हो या कोई भी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, इवन कोई जब हॉरोस्कोप खोलते हैं तो इमीडिएटली हमारा इंट्यूशन ही चलता है, अच्छा भाई इधर है मार्स, इधर है राहु, इधर है केतु, ऐसे यू नो इट्स लाइक इंट्यूशन फटाफट भागता है. सो इंट्यूशन इज एवरीवेयर, बट इसका ऐसा है, जैसे मैं अगर एक शॉर्ट टर्म में बोलूंगी, जैसे स्कूल में हम पढ़ाई करते हैं टिल फर्स्ट क्लास टू ट्वेल्थ क्लास, हम सारे सब्जेक्ट्स कवर करते हैं. जब आपने किसी सब्जेक्ट का पीएचडी करना है तो आपको वो सब्जेक्ट अकेले उठा के पढ़ना पड़ेगा. तो ये जो इंट्यूटिव क्लास है, इट्स लाइक पीएचडी इन योर इंट्यूशन कि उसको कैसे क्रिएट करना है. और जो भी आप हीलिंग मोडालिटी करते हो, जो मैं जानती हूँ कि बहुत लोग बहुत हीलिंग मोडालिटी करते हो, उसमें ये एक एड ऑन होगा आपके इंट्यूशन में. बिकॉज हम फैकल्टीज मोस्टली कैसे प्रिपेयर करते हैं हर एक सब्जेक्ट, जो हमारे स्टूडेंट के लिए एक और एड ऑन सब्जेक्ट हो उनके लिए, और जिसको बहुत सरलता से वो लोग अनुभव कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें. कोई ज्यादा यू नो खिंचाव करके उसको नहीं पढ़ाना, इतना भारी भरकम ना बना के, like a very easy flow we give. That's the specialty of this institute. हम सारे facilitators जो है easily जो आपको adapt कर सके वैसे हम पढ़ा के साथ लेके चलते. So intuition is a very very easy energy to tune in, right? Because we all are healers. So now हमारी जो भाषा है, it has to be energy. एनर्जी ऑफ इंट्यूशन में हम कैसे ट्यून इन करते हैं, ये पूरा जो हमारा जर्नी है ये इसी माध्यम से होगा. कैसे? इट्स लाइक माइंड एंड बॉडी को कैसे कोरिलेट करके एक साथ चलना है, कैसे आपका माइंडफुलनेस बढ़ाना है, सेल्फ अवेयरनेस कैसे बढ़ानी है, एंड व्हाट ऑल टाइप्स ऑफ हीलिंग मोडालिटी, कैसे कैसे हीलिंग्स होती हैं. क्योंकि मेरे को जब मैंने आकाशिक कराया, बहुत लोगों ने बोला, उससे पहले भी कलर थेरेपी हो, बहुत सारे जब हमने हीलिंग मोडालिटीज की, तो एक ही सवाल था, मैम आप हीलिंग स्कैनिंग कैसे करते हैं, कोई भी एनर्जी हमारी बॉडी में है. क्योंकि लाइक प्राणिक हीलर्स, आई एम अ प्राणिक हीलर, हम लोग स्कैनिंग करते हैं, तो उसमें हाउ टू स्कैन इट, So, वो एक चीज है जो मैं इसमें एड ऑन सब्जेक्ट कराऊंगी आप लोगों को. और कुछ एनर्जी बॉडी कैसे फॉर्म होता है, उसके कितने वैरायटी होते हैं, मतलब इट्स लाइक हमारे अंदर का जो पढ़ाई है ना वो करना है, वो है हमारा ये पूरा इंट्यूटिव हीलिंग. चक्रास है तो वो कैसे हमारे साथ जुड़ा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल कोई बीपी का पेशेंट है, मेरे पास एक बीपी के पेशेंट आए, तो उन्होंने कहा मेरे मैं हीलिंग कर देना. ओके, हीलिंग कर दिया, 250 जा रहा है उसका हाई बीपी. अब उनके में कैसे होनी चाहिए, अगर वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अगर वो उस टाइम पे दवाई ले रहे हैं, तो उनका वो चक्रा जो बीपी बढ़ाता है वो अगर हम स्कैन करते हैं, तो टैबलेट लेने के बाद वो एक आपके ऑरा के साथ कम्युनियन होना चाहिए, आपके ऑरा के साथ वो एकजुट होना चाहिए. उसी उस दवाई का असर तभी होता है,
जब आपके ऑरा में वो असिमिलेट हो जाए, तो वो कैसे पढ़ना है वो हम पढ़ाई करेंगे ये पूरा इंट्यूटिव हीलिंग में. इंट्यूटिव हीलिंग डज नॉट ओनली मीन कि आंखें बंद करके हम लोग करते रहें, बट इसमें प्रैक्टिकली वी विल प्रैक्टिस कैसे स्कैनिंग करना है, कैसे आपके ऑरा में कितना वैरायटीज ऑफ एनर्जी होता है, आपके चक्रा में कितने वैरायटीज ऑफ एनर्जी होता है, उसको कैसे पढ़ना है, कैसे सवाल पूछना है ताकि आपको जवाब मिले, कैसे आपका स्पिरिचुअल जर्नी और बढ़ानी है, मेडिटेशन अगर आप कर रहे हो वो भी कैसे करना है ताकि आपका इंट्यूशन बढ़े. एंड इसके अलावा फिर सर ने कहा ठीक है ये सब ठीक है, उसके अलावा हमें लोगों को और देना चाहिए लाइक प्लैनेटरी इफेक्ट हमारे ओरा में कितना पड़ता है, वास्तु इफेक्ट कितना पड़ता है, वो भी एड ऑन कर लेना. तो आई सेड ओके फाइन वी विल एड ऑन दैट आल्सो. सो इसमें हमने और अपने जो एज यूजुअल लाइक हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, ये सब तो हमेशा आते हैं, बट इट्स एन एड ऑन मोडालिटी जहां पे आपको प्लैनेटरी इफेक्ट्स एंड वास्तु इफेक्ट आपके ऑरा में हम स्कैन करना सिखाएंगे, आपके ऑरा में हम करेक्शन करना भी सिखाएंगे, क्योंकि जब प्रॉब्लम बोला है तो आंसर भी हम ही देंगे, राइट? सो प्रॉब्लम्स एंड आंसर्स दोनों इसमें सिखाएंगे. सो हमने काफी कोशिश की कि जितना हमसे हो सके उतना हमने एड ऑन किया इसमें. Now this journey is going to be as beautiful as our previous classes were. Like Akashic was extremely beautiful journey. So I believe ye jo intuitive journey hai, because I have been into this modality for the past 18 to 20 years. So healing is like hamare nas nas mein waise hi hai. So ye jo ek healer aur ek healer community se jab hum milte hain, to wo jo vibrant energy hai वो इतना सही हो जाता है कि वो फ्लो ही पता नहीं चलता कि पूरी क्लास कब ले रहे हैं और खत्म कब हो रही है. सो आई विल शेयर फ्यू पॉइंटर्स हियर. मैं थोड़ा पीपीटी दिखाती हूँ आपको. सो मैंने ये फर्स्ट फोटो जानबूझ के डाला है. इसका क्या मतलब है कोई बता सकता है? What is intuitive healing? You need to shut your left brain, logical brain, open your next, जो logic नहीं है. There comes intuition. Blind fold करके आप अगर कुछ ढूंढोगे केतु बनके, वो है intuition. राइट? सो इंट्यूशन में दिमाग नहीं चलाना, इंट्यूशन आपको अपने आप अंदर से आता है, दैट इज इंट्यूशन. इसीलिए ब्लाइंड फोल्ड वाला लगाया मैंने. इट इज यू नो वी विल डू सर्टेन एक्सरसाइजेस, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस करेंगे जिसमें आपको इसमें काफी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होगा कि एक्चुअली एनर्जी कैसे वर्क करता है. अगर कोई बीमारी है तो वो कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है और उसको कैसे निकालना है, ये स्टेप हम इसमें बताएंगे पूरा. एंड इसमें एक और एड ऑन है कि फाइनेंशियल कौन सा चक्रा देता है और रिलेशनशिप कौन सा चक्रा देता है, उसको कैसे प्रॉब्लम्स को रिमूव करेंगे एंड उसको कैसे एनहांस करेंगे. सो हाउ डज योर माइंड एंड बॉडी वर्क? बिकॉज बहुत लोग जैसे आते हैं ना, मेरे को नींद नहीं आ रहा है. सो वो जो नींद नहीं आ रहा है वो कहाँ से है? बिकॉज योर माइंड इज थिंकिंग समथिंग एल्स एंड योर बॉडी इज यू नो वो बिल्कुल लेथार्जिक हो गया है, स्ट्रेस हो गया है कि मुझे सोना है, बट वो नींद नहीं आ रहा है क्योंकि माइंड और बॉडी का कम्युनियन नहीं है. तो नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका आंसर आपको इसमें मिलेगा कोर्स में. बट देन I think we all know that our body heals itself. Do we all agree to that? Our body heals itself. But still, हम लोग क्या करते हैं? It's like कोई कट हो जाता है. कट हो जाता है तो क्या होता है?
वहां पे जैसे ही कट होता है हमारे ब्रेन में सिग्नल जाता है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू सिग्नल जाता है, वो कहता है कि तेरा बॉडी में कट लग गया है। अब वो क्या करता है, व्हाइट ब्लड सेल फटाफट अपने सारे सोल्जर्स को भेजता है कि भाई ये जो ब्लड बहा हो रहा है उसको रोको 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 रोको, फिर उसमें जो है स्किन पूरा अपना डेवलप करना शुरू कर देता है मास। उसमें एक एफ फैक्टर होता है ब्लड में जो इस बहाव को कंट्रोल करता है। सो ऐसे हमारा बॉडी वर्क करता है टेक्निकली, बट भगवान का दिया हुआ कैसे वर्क करता है किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता ये सिग्नल कहाँ से आ रहा है, किसी को नहीं पता ये एफ फैक्टर ब्लड जो है वो कैसे कंट्रोल करता है, किसी को नहीं पता है कितना प्लेटलेट्स कहाँ से आता है, किसी को नहीं पता है ये लंग्स अपने आप कैसे इनहेल करता है, कैसे एक्सहेल करता है, ये दिल धड़कता कैसे अपने आप। किसी के पास, कोई साइंटिस्ट के पास उसका आंसर शायद ना हो, राइट। सो वहां पे क्या होता है, वहां पे इंट्यूटिव हीलिंग हम एड ऑन करेंगे जो हम सब करते हैं, बट इसमें कॉन्शियसली हम लोग करेंगे बाय टेकिंग द एक्सटर्नल फोर्सेस एनर्जी एंड उस वो जो भगवान ने जो दिया है ऑटोमेटिक हीलिंग, उस प्रोसेस को एक्सेलरेट करेंगे, उस प्रोसेस में और जान देंगे ताकि वो ज्यादा बढ़े, रादर देन टेकिंग मेडिसिन या टेकिंग मेनी अदर थिंग्स। अपनी ऊर्जा का बढ़ा के फिर हम अपनी बॉडी को कैसे हील करना है, दैट इज इंट्यूटिव हीलिंग। यू विल टैप इनटू इंट्यूटिव कॉन्शियसनेस एंड यू विल डू सेल्फ हीलिंग। देर आर वेरियस स्टेप्स फॉर सेल्फ हीलिंग, वो भी हम कराएंगे इस कोर्स में। हाउ टू हार्नेस द हीलिंग एनर्जी, आपके हम सबके अंदर है वो हीलिंग एनर्जी, जो भी इस धरती पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब के अंदर है वो हीलिंग एनर्जी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ संगीता के पास है, अमुदा के पास नहीं है, ऐसा नहीं है, हम सबके पास है। सो हाउ टू एनहांस दैट इज व्हाट वी विल लर्न इन दिस इंट्यूटिव हीलिंग। एनर्जी मेडिसिन क्या होता है, एनर्जी मेडिसिन इज रेकी, प्राणिक हीलिंग, क्वांटम, अक्यूप्रेशर, अक्यूपंचर, जिसको आप पिल्स की तरह ना लेके एनर्जी की तरह करते हो, है ना, हीलिंग करते हो, दैट इज एनर्जी मेडिसिन। सो ये एनर्जी मेडिसिन को कैसे आप बढ़ाओगे, क्योंकि वो शक्ति तो आपके अंदर ही है। इट्स लाइक यू नो हनुमान जी को बताते हैं ना, वो शेक करना पड़ता है, भाई उठो आपके पास वो पावर है। सो ये जो कोर्स है ये वो कराएगा कि आपको शेक करेगा और बोलेगा कि आप उठो, आपके पास वो पावर है और आप बाहर मत ढूंढो हेल्प, आपके अंदर ही है वो हेल्प एंड यू हैव टू एनहांस इट। और वो कैसे, वो कोर्स में पूरा हम कराएंगे, राइट। हीलिंग में होता क्या है, बेसिकली जो भी जहां पे भी वो स्टकअप एनर्जी होता है, स्टकअप एनर्जी क्या होता है, जहां पे भी नेगेटिव इमोशंस, वेरी कॉमनली हमेशा हर कोई बोलता है नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव 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 नेगेटिव, राइट। बट वो आता कहाँ से है, कहाँ से हम मार्केट में जाके पैसे देके खरीद के तो आते नहीं है कि भाई मेरे को दे दो मैं 5 रुपए का धनिया, जैसे धनिया मिर्ची ले लेते हैं वैसे, कहाँ से आता है वो भी हम सीखेंगे, कैसे निकालना है उसको। बिकॉज ये क्या होता है, हमारा जो लेट मी गो इन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जैसे मैंने बोला आपको, इंटरनल एंड एक्सटर्नल में टेक्निक होता है, राइट। अब ये जो आपने देखा होगा ना, ये चाइनीज मॉन्क्स जो बहुत अपना ची एनर्जी यूज करते हैं, दे आर वेरी पावरफुल, लाइक कंग फू वाले, दे विल डू हु, देन दैट एनर्जी विल कम एंड देन दे विल किक, राइट। सो दैट इज नोन एज ची एनर्जी, वो उनके पास वो स्पिरिचुअल पावर है जो उन्होंने स्टोर करके रखा है, दैट इज देयर इंटरनल टेक्निकल पावर। उसको कैसे बढ़ाएंगे, वो हम सबके अंदर है, पर हम सबको हु करने की जरूरत नहीं है, हम सब वैसे ही हीलिंग कर लेंगे।
So how to enhance that internal healing without draining of your own energy? ये नहीं कि आपने अपनी हीलिंग या किसी की हीलिंग की और आप ड्रेन हो जाओगे, ऐसा नहीं होना है. देन दैट इज नॉट यू नो प्रॉपर काइंड ऑफ हीलिंग या दैट इज नॉट फीजिबल. बट उसके अलावा बिना आपके एनर्जी को ड्रेन किए आप लोग कैसे हीलिंग कर सकते हो? बेसिकली अपने प्रॉब्लम्स को ही हम डील कर लेना बहुत है, राइट? सो वो हम सीखेंगे इसमें. माइंड एंड बॉडी कनेक्शन, जैसे मैंने बोला, डॉक्टर कैंडिस पर्ट करके हैं, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजिस्ट, जिन्होंने पढ़ाई किया है माइंड एंड इमोशंस कैसे काम करता है. जैसे मैंने बोला हमारी उंगली में कट हुआ तो एक मैसेंजर मॉलिक्यूलर सिग्नल जाता है ब्रेन सेल्स में, ब्रेन के थ्रू एवरी सेल्स में, तो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम ने बोला ये कि भाई कट हो गया है, अब तुम बचाव कर लो अपना. सो दिस इज लाइक इनवॉलेंटरीली पल्स रेट डाउन होना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, स्वेटिंग, डाइजेशन, ब्लड फ्लो, ये सब जो चीजें ऑटोमेटिकली होती हैं, ये होता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, राइट? अब हम आते हैं एनर्जेटिक एनाटॉमी में. व्हाट इज एनर्जेटिक एनाटॉमी? सबको दिख रहा है या मैं ये हटाऊं? बेसिकली ये दिखना चाहिए आप लोगों को. इट इज विजिबल. हाँ, सो दिस इज अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी ऑरा. व्हाट डू यू मीन बाय हेल्दी ह्यूमन बॉडी ऑरा? हेल्दी ह्यूमन बॉडी ऑरा वो होता है जिसने सोच लिया वो हो गए. मैनिफेस्टेशन पावर बहुत जबरदस्त होता है. किसी को उसको कोई ह्यूमन हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होता है. कोई जैसे अभी कोरोना आया, उनको कोरोना नहीं होगा क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत बढ़िया है. सो ये कैसे पता करते हैं कि भाई हमारा हेल्थ ऑरा कैसा है? सबके माइंड में आंसर तो आना चाहिए जैसे ही मैंने ये दिखाया, क्योंकि ये तो एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी का ऑरा है. सबका ऐसे तो नहीं हो सकता ना. सो कहाँ से प्रॉब्लम एंटर हो रहा है वो हम सीखेंगे इंट्यूटिव हीलिंग में. कैसे? जैसे अगर आप ये व्हाइट शेल देखते हो, ये भगवान का दिया हुआ है, इट्स लाइक एन एग शेप, अंडे के शेप में ऑरा बोलते हैं इसको, है ना? उसके बाद जो ये पिंक कलर का रेस्ड जो बाहर जा रहा है, ये जैसे हमारे बाल होते हैं ना, वैसे हेल्दी रेस बोलते हैं, वो जाता है. अब उसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उस जगह से इंटर होके आपको, जैसे अभी मौसम बदलता है तो थ्रोट के थ्रू एंटर होके वायरस जाएगा, खराश होगा बहुत सारा, वहां से शुरू होके आपको पता लग जाएगा अच्छा 2 दिन में मेरे को जो है अभी कोल्ड का फीवर सब होने वाला है. सो उसका कैसे बचाव कर सकते हो? वो कैसे पता कर सकते हो कि कहाँ पे प्रॉब्लम है? वो पूरा एनर्जी एनाटॉमी हम सीखेंगे. ये पूरा एक भगवान का नेटवर्क है जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें. जैसे ये है, अगर मैं ये दिखाऊं आपको, ये देखिए इसमें से हेल्दी कौन सा है और अनहेल्दी कौन सा है, आपको देख के पता लग जाएगा, राइट? ये हेल्दी जहां पे कुछ टूटा फूटा नहीं है, सारा सामान बिल्कुल बढ़िया है, यहाँ पे ऑरा फाइन, हेल्थ रेस एक्सलेंट. बट अगर वही इधर आ जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे टूटे फूटे से इधर टूट गया ऑरा, इधर बहुत सारा डस्ट मटेरियल या वायरस या दिस इज द नेगेटिव इमोशन विच वी ऑल आर कीप ऑन रिपीटिंग. नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव बिलीव्स, ठीक है? अब इसमें हमने देख तो ली कि ये कैसा है, बट इसको ठीक कैसे करें और महसूस कैसे करें कि हमारा ऑरा कैसा है ना?
क्योंकि सबका ऑरा डिफरेंट है. मेरा डिफरेंट है, निधि का डिफरेंट है, अमुदा का डिफरेंट है, मीना जी का डिफरेंट है, सबका डिफरेंट. बिकॉज हम सबका जो पैटर्न है, लाइफ स्टाइल इज डिफरेंट, हम सबका संस्कार इज डिफरेंट, हम सबकी पढ़ाई इज डिफरेंट, सोच इज डिफरेंट, बिलीफ सिस्टम इज डिफरेंट, है ना. तो खाना पीना भी डिफरेंट है. तो उस हिसाब से ये सारा वेल बीइंग जिसको बोलते हैं हम लोग, वो एनहांस होता है. किस हिसाब से हम अपने आप का देखभाल कर रहे हैं वो हम पूरा उसमें आपको सिखाएंगे. There are four principles of functions in this energetic anatomy. एक तो आपको vital force जो बोलते हैं उसको कैसे लेना है और उसके through आपके aura को कैसे mold, जिसको ये physical body mold जो बोलते हैं वो aura है, उसको कैसे करना है. First तो aura आता है, उसके बाद आपका chakra आता है. अब वो चक्रा को कैसे मेंटेन करना है, जैसे ये सेवन चक्रा बैलेंसिंग बोलते हैं, फटाफट 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 सब लोग ज्वाइन करो ज्वाइन करो ज्वाइन करो, बट ऐसे हो जाता है सेवन चक्रा बैलेंसिंग? या आपको पता लगता है सेवन चक्रा बैलेंसिंग हो जाता है? जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि दवाई खाते ही आपका बीपी का पता हो जाता है, वैसे हम, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, तो मैं जब बात कर रही हूँ तो मेरा कौन सा चक्रा सबसे ज्यादा एक्टिव होगा? नॉर्मल सी चीज है, थ्रोट, है ना. तो थ्रोट चक्रा में सेवन चक्रा बैलेंसिंग कैसे हो जाएगा बताओ? और जब मैं देख, या आप लोग सुन रहे हो, आप लोग देख रहे हो, तो वो अब्सॉर्ब कर रहे हो, तो उसमें कौन सा चक्रा सबसे ज्यादा एक्टिव होगा? आपका आज्ञा, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो. आज्ञा मतलब अपर वाला सारा चक्र, क्योंकि अभी तो कोई मोबिलिटी नहीं है, कहीं घूम रहे हो तो नीचे वाले चक्रास विल बी एक्टिव. जब आप कोई चीज ऐसे पढ़ रहे हो, कोई असिमुलेट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपका अपर चक्रा विल बी एक्टिव अबाउट द हार्ट. सो दीज आर यू नो वेरी बेसिक थिंग जो मार्केटिंग गिमिक्स के थ्रू आप लोग नहीं जाओगे कि सेवन चक्रा बैलेंसिंग है, आ जाओ, ऐसा नहीं होगा. देन यू विल बिकम एक्सपर्ट आफ्टर डूइंग दिस कि ऐसे कैसे होता है, आप बताओ. अगर ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है ये बताओ. इतना तो मैं बना दूंगी आप लोगों को. एंड मैं भी जस्ट दे रही हूं कि व्हाट आर चक्रास, बट इन डिटेल वी विल लर्न. क्राउन चक्रा में एक शॉर्ट में बता देती हूँ, रादर देन गोइंग इनटू ऑल दिस पीपीटी. एंडोक्राइन सिस्टम, जो हम नॉर्मली एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं ना, pineal gland, pituitary gland, throat mein thyroid gland, thymus gland, hai na, then aapka aa gaya pancreas, then aa gaya reproductive organs. So ye jo glands hain piche, adrenal gland, these are your chakras. Simple, zyada yaad karne ki bhi zarurat nahi hai. Ye chakras hai, crown, pineal, pituitary, ajna chakra, ये थायराइड ग्लैंड, थ्रोट चक्रा, थाइमस ग्लैंड, हार्ट चक्रा, है ना, ऐसे सेवन नॉर्मली. तो इसमें, इसके पीछे जो जो ऑर्गन्स हैं वो सब वो कंट्रोल करता है. एंड ये सारे एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, अलग अलग हमारी बॉडी में काम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इनके अंदर कॉन्शियसनेस होता है वननेस का, ठीक है. तो वो मिलके ही काम करते हैं, ये ऐसे नहीं करते हैं. आज ना तूने मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया तो मैं तेरे जगह, मैं ना आज हार्ट पंप नहीं करूंगा, मैं हार्ट चक्रा को नहीं देखूंगा, ऐसे नहीं बोलते हैं. ये एक दूसरे के साथ मिलके अच्छे से काम करते हैं. दैट इज द इंट्यूटिव पावर विच गॉड हैज गिवन टू आवर सिस्टम. हमारे सिस्टम में हर जगह वो इंट्यूशन फैला हुआ है. उसको पता है कि आपके एक सोच के पीछे कैसे वो ब्लड वेसल्स को चलाना है, कैसे बीपी कैसे कंट्रोल करना. हाई बीपी में क्या होता है, ब्लड का फ्लो इतना, बहाव इतना ज्यादा हो जाता है, जैसे डैम तोड़ के पानी आता है ना वैसे. तो वो एक सोच बढ़ा देता है स्ट्रेस लेवल को, तो वो उसको कंट्रोल करता है. सारे चक्रास
अलग अलग सिस्टम को कंट्रोल करता है, इज व्हाट आई मीन. वी विल डू अ शॉर्ट एक्सरसाइज. स्कैनिंग में मैं वो नहीं सिखाऊंगी जो मेरे सिलेबस में है, बट यस आई थॉट आई विल इंट्रोड्यूस यू अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैनिंग. सो सब रेडी है करने के लिए? हैंड्स को थोड़ा ऐसे कीजिए, एक्टिवेट करना होता है, थोड़ा ये फिंगर्स को ऐसे ऐसे कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए. Inhale, exhale, inhale, exhale. एक शॉर्ट प्रेयर करते हैं. आप हैंड्स का एक्सरसाइज कर सकते हो क्योंकि ये एक्टिवेट होगा. अब हम एक्चुअली अगर हीलर जो है उनका हमेशा एक्टिवेट होता है, बट इफ पीपल आर न्यू इन टू दिस फील्ड दे नीड टू एक्टिवेट दिस पाम्स. The Divine Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to my beloved teacher, to all the gurus, apne apne guruon ka naam lijiye, to all the healing angels, please allow me to scan my energy. Please guide me and support me. Thank you, thank you, thank you. अब थोड़ा सा दूर लेके जाइए हाथ को, थोड़ा पास लेके आइए, थोड़ा सा दूर, थोड़ा पास, थोड़ा सा दूर, थोड़ा पास. एक एनर्जी बॉल बनाइए. लेट इट बी द एनर्जी ऑफ लव. आपके अंदर कितना लव है? दूर, पास. इनहेल, एक्सहेल. हार्ट के पास रखोगे क्योंकि हार्ट इज लव, तो ज्यादा बेहतर होगा. इनहेल, एक्सहेल. एक सॉफ्ट सा बॉल आप सबको फील होगा बिकॉज लव इज वेरी वेरी सॉफ्ट. इट्स योर ओन लव, लविंग एनर्जी. आपके अंदर का ये लविंग एनर्जी, वेरी सॉफ्ट, सटल, बहुत प्यारा सा छोटू सा बॉल है ये, राइट? मोस्टली सबको फील हो गया. सुमित जी, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, अगर आज नहीं हुआ तो होगा जरूर. हो गया, बीना जी का हो गया, पंकज जी का हो गया, नम्रता का हो गया, नंदिनी जी आपका तो हो गया होगा. आई नो. महाराणा जी, उनको भी बॉल मिल गया, उनका प्यारा सा. मीना जी आपको मिला, निधि जी आई होप आपको भी मिल गया. अमुदा जी, यस ओके. माय डियर मैजिकल मोनिका, मिल गया. आप अपना वीडियो नहीं खोल रहे हो, आपका स्वीट चेहरा तो गया. लॉन्ग टाइम, हाउ आर यू? So this is your own energy. Right? ऐसे हम फील करेंगे आपका अलग 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 एनर्जी.
सर जी क्वेश्चंस ले ले सर, किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? Let the people do their experience first. Let them share their experiences. Okay. किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है? आपकी फीलिंग कैसी थी आपकी खुद की एनर्जी को लेके? नंदिनी जी हो गया? और प्यार, और प्यार, और प्यार. I am trying to send it to others. Why? It's your love. Keep it to yourself. Yes. This was new thing I tried. Seriously? Okay. No, to send it to the Agnya, na? Okay. So we will learn many more new things in this. अपने से और दुबारा प्यार हो गया. हाँ, वो चाहिए मुझे. True. बिल्कुल वैसे soft सा, प्यारा सा, और you can cuddle with it. It's so beautiful, really. मजा आ गया. Amazing. Okay, any questions regarding this journey? No questions? Yeah, Lakshya ji. Rakhi ji. I'm actually yahan pe rename karne ka thaani. Main bahar aayi hui thi to main se video on nahi thi. Okay. Mam aap kaise hain? Main badhiya hoon. अच्छा मैम, थोड़ी वॉइस आपको आ रही होगी बाहर की म्यूजिक की, बट मैम आपसे पूछना चाह रही थी. अच्छा मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे हमने आपने एनर्जेटिक एनाटॉमी बोला मैम, ऐसे इंट्यूटिव एनाटॉमी और एनर्जेटिक एनाटॉमी में क्या डिफरेंस होता है मैम? इंट्यूटिव एनाटॉमी जो है वो एक यू नो इट्स लाइक आपके ब्रेन के बारे में पूरा पढ़ाई करेंगे उसमें, बट एनर्जी इज आपके ये जो मशीन भगवान ने दिया है ये कैसे काम करता है, एनर्जी में क्या क्या आता है, आपके ऑरा आ जाता है, ऑरा में इतने सारे ऑरा हैं, चक्रास तो अलग ही छोड़ दो आप, ऑरा का ही बहुत वैरायटीज ऑफ पढ़ाई है, उतनी वैरायटी में नहीं जाएंगे हम, बट एक्चुअली ये तो देखें कि भाई डिसीजेस आ कहाँ, प्रॉब्लम्स आ कहाँ से रही है, स्कैनिंग तो कर लें उस चीज का कि भाई प्रॉब्लम है, जैसे लव एनर्जी आज स्कैन किया, बताओ कितना लव है सबके अंदर, भर भर के है ना, तो वैसे ही और भी एनर्जीज है ना, कितना है वो देख ले मैम. किसी को मैं, हाँ जी यस मैम, बोली बोली यस मैम, आप बताइए. नहीं नहीं और पूछो, मैंने तो बता दी, तो दैट इज टोटली डिफरेंट, दिस इज टोटली डिफरेंट. ये हम ज्यादातर जो है इंट्यूटिव हीलिंग लिखा है मैंने, इंट्यूटिव एनाटॉमी नहीं लिखा है. एनर्जेटिक एनाटॉमी हम पढ़ेंगे जिसके थ्रू इंट्यूटिव हीलिंग करें, ठीक है? तो मैम सबके अपने पर्सनल, जैसे आकाशिक है ये भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस पे है, लेकिन जैसे हमारा ये है तो ये भी हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पे ही होगा सबका, जैसे हीलिंग होती है सबकी अपनी पर्सनल कैपेबिलिटीज भी होती हैं, बट क्या कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे आप इंट्यूटिवली अभी हम कितने हैं उससे ज्यादा था हम एनहांस होंगे डेफिनेटली, बट कितने जैसे आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैम, भी हम कहना चाह रहे थे. बट यू डोंट वरी, आई नो योर लेवल, यू डोंट वरी. या आई नो कि कर लेंगे, लेकिन ठीक है. और मैम ये पूछ रहे थे इसका एडवांस लेवल भी आएगा, मतलब नहीं नहीं इसका कोई एडवांस अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया. अगर मैं और सर मिलके बात करें कुछ उत्पत्ति हो जाए तो अलग बात है, मैं भी कुछ अपना प्रॉमिस नहीं दूंगी, अभी तो मैंने बहुत कुछ इसी में डाला है. हां जी मैम, कंटेंट्स तो काफी सारे आपने इंट्रोड्यूस किए हैं. हां हां, थैंक यू मैम. ये अपने आप में एक पूरी जर्नी है, और इसमें ऐसा नहीं कि इसमें एडवांस की जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इंट्यूशन इंट्यूशन होती है, आपने कितना बिल्ड किया अपनी मेहनत से वही अपने आप में एडवांस है. इट्स नॉट दैट लाइक स्टडी करके एडवांस इंट्यूशन पैदा होता है, इंट्यूशन पैदा करने के लिए आपकी अपनी ये बच्ची आपको प्रोसेस की है, द प्रोसेस विल कवर इनटू दिस जर्नी, द एंटायर प्रोसेस गेट कवर इनटू दिस जर्नी. जी यस सर, थैंक यू मैम. पंकज, पंकज जी
ओके पंकज जी ना हैंड अपना डाउन किया हां पंकज जी हैं वो क्वेश्चन नहीं पूछा मुझे आई वुड लाइक टू पुट दी जब आपने कोर्स कंटेंट बताया तो आई वुड लाइक टू पुट ऑन स्क्रीन आल्सो एंड ये आपने काफी अच्छे तरीके से पूरी व्याख्या कर दी कोर्स कंटेंट की आई थिंक दिस ऑलरेडी कवर्ड इट आउट हाउएवर फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉट ऑफ पीपल हु जॉइन लेट मे बी पढ़ना है सर ये एक बार मैंने एक बार आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दो ताकि हाँ मैं बताती हूँ सो ऑरा में जैसे मैंने बोला देयर आर उसमें भी एनाटॉमी है ऑरा में भी आपका स्पिरिचुअल ऑरा कैसा है आपका इमोशनल ऑरा मेंटल ऑरा तो वैसे हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे बट इतना जाएंगे कि भाई डिसीजेस कहाँ से पैदा हो रही है ये तो पता होना चाहिए ना प्रॉब्लम्स कहाँ से हो रही है तो वो इनर और आउटर होता है बेसिकली सो उसमें देखेंगे हम चेक करेंगे कोई अगर मेरे को बोल रहा है अगर नंदिनी जी बोल रही है कि उनका जो है शाम को होते ही लथार्जिक हो जाता है बहुत एनर्जी लेवल वो क्यों हो रहा है वो हम ऑरा में सब कुछ दिख जाता है उनका सोच उनका विचार उनका सब दिख जाता है ऑरा में तो ये भी हम कैसे स्कैन करेंगे ये बताएंगे व्हाट इज एनर्जी बॉडी एनर्जी बॉडी इज जो आपको दिखता नहीं है बट वो बहुत बड़ा होता है एक्सक्यूज मी मैम हां मैम अभी कुछ पूछ सकता हूं मैं हां जी पूछिए हाँ वो एक्चुअली कुछ नेटवर्क इश्यू हो गया था इसलिए थोड़ा सा रह गया था अच्छा मैम ये पूछ रहा था जैसे वास्तु में या फिर प्लैनेट्स के थ्रू मान लो आपको किसी का ऑरा स्कैन करना होगा या फिर इंटुइटिवली आपको बस देखना होगा कि किसका क्या वास्तु में क्या प्रॉब्लम है या फिर कौन से जोन में क्या इम्बैलेंस है ऐसा देखेंगे हाँ जी ऐसे ही देखेंगे ओके और फिर वो ट्रीट भी वैसे ही होगा या फिर उसका फिर वो जो जो नॉर्मली अपन वास्तु को ट्रीट करते हैं वैसे ट्रीट होता है नहीं ये एनर्जी हीलिंग में आए हो आप वास्तु में नहीं आए हो तो मैं वास्तु रेमेडीज नहीं दूंगी मैं एनर्जी रेमेडीज दूंगी ओके उस एनर्जी से ही अपन उसको ट्रीट कर पाएंगे एवरीथिंग हैपेंस एंड कनेक्टेड विद योर ओन ऑरा इवन प्लैनेटरी इफेक्ट्स आर कनेक्टेड विद योर ऑरा बिकॉज यू आर कनेक्टेड विद अर्थ एंड अर्थ इज यू नो सराउंडेड विद सोलर सिस्टम कितने दिन तक वो रहता है या फिर वो परमानेंट ट्रीट हो जाता है ये आप ना ऐसे डॉक्टर के पास ओपीडी में नहीं जा रहे हो कि यू नो पांच दिन ये कोर्स कर लो और फिर आपका ये ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं है एनर्जी जो है मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा अब जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने थ्रोट से कितना एनर्जी दे रही हूँ वैसे आपका जो लाइफस्टाइल है वो कितना है कितना आप घूमते हो कितना आपके बेसिक को आप काम देते हो कितने आप अपने थ्रोट को काम देते हो यू नीड टू बी आपको थोड़ा वहां से उसको नेगेट करके थोड़ा एनर्जी में पुश करूंगी मैं इसको थोड़ा समझिए क्योंकि इसमें क्या है आप स्कैनिंग सीख जाओगे ठीक है अगर आपने किसी जैसे अब आपका ही है सपोजिंग आपका ईस्ट जोन खराब है ठीक है वास्तु में तो आपने स्कैन किया आपका ईस्ट जोन में चलो ये चीजें ये नहीं आ रहा अगर वो आपके करेक्शन के बाद नहीं हुआ देन वी विल टेल यू ऑब्वियसली आप खुद ही हीलर बन जाओगे उसके बाद फिर आपको वो एनहांस करते रहना पड़ेगा जब तक आपका काम नहीं होता है क्योंकि मैनिफेस्टेशन पावर मैंने तभी बोला था हेल्दी ऑरा में इमीडिएटली हो जाता है अब हमारे ऑरा में कितने क्रैक्स हैं कितने होल्स हैं उसके हिसाब से मैनिफेस्टेशन होता है समझ रहे हो आप तो उस हिसाब से आपको एनर्जी देते रहना पड़ेगा This is not जादू मंत्र ये आपका खुद का एनर्जी है एंड यू ऑल विल बिकम अ वेरी बिग हीलर किसी का मैम अभी करके आप दिखा सकती हैं मतलब बता सकती हैं आप किसके क्या वास्तु में क्या प्रॉब्लम है या घर पे क्या कोई प्रॉब्लम है ऐसा कुछ नहीं मैं मतलब वास्तु में क्या प्रॉब्लम है करके इधर क्या बताना आपको ये बता दो नहीं मतलब किसी का प्रॉब्लम है चलो आप अपना बताओ आपका क्या नहीं ये प्रॉब्लम नहीं जैसे आपने बताया ना कि किसी का भी अपन स्कैन करके बता सकते हैं बताओ ना आप अपना बताओ आपका क्या प्रॉब्लम है नहीं मैं जैसे मान लो कोई क्लाइंट अपने पास में आ रहा है और उसको अपन ने स्कैन करके बताया आई वांट योर प्रॉब्लम यू टेल मी योर प्रॉब्लम मेरी वैसे कभी राइट ना कोई प्रॉब्लम नहीं है
सो व्हाई यू आर सो मच इनक्यूजिटिव अबाउट प्रॉब्लम्स? जब आप मैं प्रॉब्लम इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि क्लाइंटेज जब हमारे पास में आते हैं और क्योंकि मैंने एक वास्तु में ऐसा देखा हुआ है कि भी ठीक है वो नॉर्मली आपको स्कैन करके बता सकते हैं कि भी आपके इस जोन में ये प्रॉब्लम है. Yes. तो वही मैं इससे कनेक्ट कर रहा था कि क्या ये वही चीज है. हाँ, वही चीज है. हाँ, तो वही मैं इसलिए मैं पूछ रहा था कि ऐसा कुछ कर सकते हैं अपन बता सकते हैं अभी आप किसी को करके बता सकते हैं. नहीं, जब एक बात बताइए, we are 45 people here. I don't think so, सबको बड़ा अच्छा लगेगा अपना प्रॉब्लम बताना, right? We need to understand that also. Sorry? हर किसी को अपना प्रॉब्लम्स बताना भी अच्छा नहीं लगता ना. हाँ, नहीं 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 लगता. हाँ, तो फिर आई कांट टेल कि भाई अच्छा सुमित जी क्या प्रॉब्लम है आपका बताओ मैं अभी स्कैन. नहीं प्रॉब्लम नहीं, नहीं प्रॉब्लम नहीं, मैं तो सिर्फ जोन की पूछ रहा हूँ, जोन या प्लैनेट की. बिल्कुल, आप जो पूछ रहे हो वही सिखाएंगे. चलो ईस्ट का जोन है, स्कैन करो. पंकज का ईस्ट का जोन कितना है? सही, कितना होना चाहिए, कितना है? Okay. अच्छा, आपका तो ईस्ट जोन. सो वो स्कैनिंग जो मैं कर रही हूँ वो मैं आपको सिखाऊंगी कैसे करना. ओके, ठीक है. ये मैम जैसे आपने हैंड से किया ऐसे तो इस तरीके से कर पाएंगे जैसे मैंने भी चेक किया तो ये. हाँ, वही तो सीखना था आप लोगों को. तो यही तो सीखना था. बिल्कुल. जैसे अभी इनका ईएससी जोन देखो, पंकज जी का ईएससी जोन कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए, ठीक है. कितना है? इतना है तो हमने कितना एनर्जी देना है? इतना एनर्जी देना. बिगड़ा होगा इनका ईएससी जोन ऐसे ऐसे. ये तो ऐसे इन्होंने बोला तो हमने कर दिया ऐसे. एक ऑरा में आपका कितना, आपका कैसा लग रहा है बताओ? ईएससी जोन कैसा है? आप मेरे. हाँ जी, पंकज जी. वास्तु, अकॉर्डिंग टू वास्तु मैंने बैलेंस तो कर रखा है ईएससी अपना. कर रखा है पर अभी इतना एनर्जी मांग रहा है वो. कर रखा है आपने, है ना? तो अभी आपको इतना, आपका इश्यू क्या है ईएससी में? इतना और मांगता है वो हीलिंग एनर्जी. ओके, ओके. ईएससी में आपका, पंकज जी आपका ईएससी में इंबैलेंस क्या? आपने बोला आपने ईएससी बैलेंस किया है, इट मींस इंबैलेंस इन ईएससी. ईएससी में मतलब इम्बेलेंस, मतलब अकॉर्डिंग टू बार चार्ट ईएससी शॉर्ट है मेरा. वही तो संगीता जी बोल रही है आपको. जैसे हाँ, तो जैसे मान लो अपन ने एक क्वेश्चन इज बीइंग अंडरस्टैंड द क्वेश्चन जो आपने पूछा उसका जो आंसर हमने दिया. आपने बोला कि आपका स्कैनिंग करके बताया, तो आपका स्कैनिंग उन्होंने किया ईएससी. ईएससी में आपने एज पर वास्तु आपने बैलेंस किया आपने बोला, फिर है ना? संगीता जी ने उसको स्कैन किया, शी फाइंड द वैल्यू इज दिस मच, देयर शुड बी दिस मच. तो गैप उन्होंने आपको बताया, आपने बैलेंसिंग अपना किया, दैट इज नॉट एन इशू, दैट्स ऑल राइट. स्टिल देयर इज अ स्कोप टू इंप्रूव इन ईएससी. जो आपने किया वो ठीक किया, लेकिन देयर इज अ स्कोप टू इंप्रूव इन ईएससी जो संगीता जी ने बैलेंस किया और आपको बताया. अब ये कैसे हुआ, यही जर्नी है. हाँ, एक्चुअली सर सही बोल रहे हैं सर. जर्नी तो है सर. एक चीज, अब थोड़ा सा मैं हालांकि कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बस एक क्वेश्चन अभी यहाँ पर अराइज कर रहा हूँ. सपोज जैसे अपन ने महावास्तु सीखा या वास्तु सीखा हुआ है, तो मतलब अब जैसे अपन जो भी स्कर्टिंग्स पे लगाते हैं तो उसके थ्रू अपन क्या कर रहे हैं कि उस जोन को बैलेंस करते हैं. जो आपने महावास्तु वास्तु किसी भी तरीके से किया वो अपनी जगह पे विद्यापूर्ण है. There is a still scope. Energy का कोई नियंत्रण नहीं है. Energy बंदी नहीं है, it's a flow. जब flow में energy है, जो आपने remedy करी, वो remedy to an extent force का भरपाई कर पाई हो, force का नहीं कर पाई हो, आपके पास कोई mechanism नहीं है check करने का. Aura scanner से आप check कर सकते हो, गौदर से आप check कर सकते हो, वो एक अलग विषय अपने आप का है, right? Now, here what Sangeeta ji is trying to tell you is to scan by your own hands. And that is, आपने treatment किया, हो सकता है, treatment से पहले वो energy और छोटी थी. Treatment का वो भी scan कर लेते हैं सर. There is this scope. हाँ, वो भी इतना ही था. मतलब, एक मिनट मैं अपने आप को करूँ तो. सर,
सर मेरे को स्पॉटलाइट में कैसे डालू? मैं डालता हूँ। हाँ डाल दिया। ओके बिफोर रेमेडी आपका इतना है, मतलब okay. आपका अगर ऑरा इतना है तो इतना ही है आपका ईएससी जोन। ओके आफ्टर रेमेडी इतना बड़ा। ओके और होना कितना चाहिए? इतना ही होना चाहिए, इतना बड़ा आफ्टर रेमेडी। बट अभी okay, आज okay. की तारीख में आप मेरे से स्कैन करा रहे हो तो वापस वो इतना आ गया। ओके ठीक है। रेमेडी आई डोंट नो आपने क्या किया, रोज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मुझे वो सब नहीं पता, बट वापस वो उतना ही आ गया। गॉट आई थिंक दिस इज अ गुड एक्सरसाइज दैट आई थिंक दिस एक्सरसाइज गिव्स अ लॉट ऑफ क्लैरिटी टू ऑलमोस्ट एवरीवन how this activity works, and it is not with respect to only walking, it can be for anything. Like in the beginning, as I said, ye scanning or aura ya intuitive healing ye kisi subject specific nahi hai, ye overall hai, kisi bhi usko kar sakte ho. I think that cleared the Pankaj ji after the question also, right? And thank you for your contribution. आपने पूछा तो ये point नहीं देखो ये actually आपने जो content लिखा हुआ था और मैंने कहीं वो चीज देखी थी और मुझे उस चीज की क्यूरियोसिटी भी थी कि मुझे वो सीखना था। ओके यू लैंडेड एट द राइट प्लेस। तो मतलब वो क्या था मतलब कि भाई ठीक है वो आप पर्सन को देख रहे हैं और पर्सन को देख के वो बता रहे हैं कि ठीक है आपके इस जोन में ये प्रॉब्लम है। ओके वो जोन में प्रॉब्लम उन्होंने इंटरनली स्कैनिंग करी जो आपको नहीं दिखेगी। हां एग्जैक्टली कर लेगा। हां एग्जैक्टली तो दिखेगी नहीं। तो प्लैनेट्स की भी स्कैनिंग ऐसे ही कर रहे थे और जोन की भी ऐसे स्कैनिंग कर रहे थे। स्कैनिंग कैन बी एनीथिंग एनीथिंग। आज मैं खाना क्या खाऊंगी, शाही पनीर या दाल? इसका भी स्कैनिंग कर सकते हैं कौन सा मेरी बॉडी में सबसे अच्छा लगेगा। जब हाथ है दिमाग है सोचने के लिए तो कुछ भी कर लो स्कैनिंग। ओके मैम अब जैसे मान लो अभी आपने मेरा ईएससी चेक किया और ईएससी को अपन ने आप उससे अपन ने हील भी कर दिया, एनर्जाइज भी कर दिया उसको, तो अब जब तक चाहिएगा जैसे मान लो ठीक है मैंने जो रेमेडी की उससे मैंने उसको बैलेंस किया था और आज शायद वो वापस रिड्यूस होगी उसकी एनर्जी। अब मान लो इस हीलिंग मॉडलिटी से अपन उसको हील कर रहे हैं, एनर्जाइज कर रहे हैं, एनर्जाइज करने के बाद में जैसे मान लो मैंने 5 days, 7 days, 8 days जितने दिन भी किया उसको किया एंड आफ्टर वर्ड एक पॉइंट पे आके मुझे लगा कि हाँ ठीक है अब ये सफिशियंट है, अब नहीं चाहिए यहाँ पे हीलिंग, तो मुझे उसको रोक देना है, राइट? राइट। तो अब कहीं ना कहीं फिर हो सकता है क्रैक हो या कोई प्रॉब्लम हो जिसके कारण वो वापस से शॉर्ट हो सकती है, ऐसा हो सकता है? सॉल्यूशन होता है, इसका सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन पूरी डिटेलिंग में काम होएगा इसके जर्नी में, क्योंकि ये एक लाइन आंसर नहीं है, एक लाइन के पीछे अनदर काउंटर क्वेश्चन होगा, अनदर पॉइंट होगा, तो ये पूरा सब्जेक्ट जब तक एक लाइन में आंसर देने के बाद यू विल हैव अनदर क्वेश्चन। हां ट्रू सर। आपको इतना अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कांसेप्ट, ठीक? और थोड़ा सा तभी मैंने इंट्यूटिव का फोटो ऐसे डाला है सर, आंखें बंद मतलब माइंड को बंद कर दो। थोड़ा पंकज जी लेट्स मूव ऑन। या या बस थोड़ा सा एक मनी हीलिंग में थोड़ा सा रोशनी डाल दें एंड देन इट्स ओके। हां वो पार्ट है सिस्टम का, इसका पार्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली कुछ तो सीक्रेटिव रहने दीजिए पंकज जी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। एक चीज पूछना चाहेंगे। हां जी जैसे हम राखी बोल रहे हैं, एक चीज पूछना चाहूंगी मैम, जैसे हम और कोर्सेज करते हैं उसमें जैसे हम स्कैनिंग भी करते हैं, तो जैसे कोई भी मैम जो मैम होती है हमारी वो जैसे स्कैनिंग, हाँ थीटा हीलिंग ले लो। यस मैम थीटा हीलिंग ले लीजिए मैम। सबका स्कैनिंग का पार्ट अलग अलग होता है। यस मतलब एक तरीके से जो भी हमारा कैंडिडेट मतलब पार्टिसिपेंट होता है वो तो पूरा ही बेचारा बीमार हो जाता है, क्योंकि कोई किसी में बताता है कोई किसी में बताता है। तो हम ये चाह रहे थे जैसे इस कोर्स में क्या ऐसा होगा कि हमारा एक लेवल पे हम इसको एग्जैक्टली वही स्कैन करेंगे जो एक्चुअल में उसको प्रॉब्लम है, मतलब जैसे अगर हम किसी को भी स्कैन कर रहे हैं सबकी अगर रीडिंग अलग अलग होगी तो उसमें ये कैसे पता चलता है कि मैम सही रीडिंग क्या है? सही रीडिंग करके कुछ नहीं होता, क्योंकि एनर्जी जो है आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी के हिसाब से करते हो, मैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी के हिसाब से करती हूँ। बट यस बीपी का कोई पेशेंट आता है उसका ब्लड फ्लो उसका वो चक्रा जो बेसिक है वो तो गड़बड़ रहेगा, तो सभी चाहे वो सुमित जी स्कैन करे चाहे वो अलका जी स्कैन करे सभी को प्रॉब्लम तो लगेगी, क्योंकि बीपी का पेशेंट तो है ही वो। अगर प्रॉब्लम ऐसा है तो सभी को सेम लगना चाहिए। हाँ थोड़ा बेसिक ऊपर नीचे आ सकता है बट प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है ही। बट मैम जैसे हर एक जैसे स्कैनिंग के लिए अपना अपना पर्सनल थोड़ा मेडिटेटिव इंट्यूटिव होना भी जरूरी होता है, तो जैसे अगर 4-5 जनों ने स्कैनिंग की है
उसमें हमें कैसे जज कर पाएंगे कि किसकी स्कैनिंग जो है वो एक्यूरेट है। मैंने कितनी बार बोला है डाउट मत करो, आपका स्कैनिंग अच्छा है मुझे पता है। मैम ये हम अपने लिए जनरल केस पूछ रहे हैं। जनरल के लिए आप क्यों आवाज उठा रहे हो यहाँ पे, क्या सोशल आवाज नहीं उठा रहे मैम, लेकिन ये हमारा ग्रुप एक फैमिली है तो मैं चाह रही थी कि करेक्ट ये डाउट मतलब तो करेक्ट करने के लिए मैं तो हुई बैठी हूँ उधर। ये तो मतलब हम चाहते हैं हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आके स्कैनिंग करेंगे तो वो सही आएगा, यही पूछना चाह रहे थे बस। आप आओ तो सही स्कैनिंग। मैं तो आई थी, मैंने तो आज आपका संडे को भी ज्वाइन कर लिया, मतलब मैंने तो आना ही था। फिर हम तो बात करेंगे जी सर, बताइए सर। आई टेल यू राखी जी, जो सिंधु जी ने बोला आपके स्कैनिंग अगर आप करते हो उसके अंदर स्कैनिंग की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ कि आपने कितनी एनर्जी फील करी, दूसरे ने कितनी एनर्जी फील करी, वो डिफर कर सकती है। बट इफ देयर इज एन इशू, परसिस्टेंट इशू है, तो सभी को परसिस्टेंट इशू नजर आएगा। किसी को ज्यादा फील होगा, किसी को थोड़ा कम फील होगा, वो डिपेंड करता है सामने जो स्कैनिंग कर रहा है उसकी अपनी इंट्यूटिव पावर कितनी डेवलप हुई, वो उसे डिपेंड करता है, बट इशू नजर आएगा। अब उसका जो तरीका होगा करने का वो सिंगर जी आपको बताएंगे कि उसका एक्टिविटी को सॉल्यूशन कैसे करना है, एक्टिविटी का रेमेडियल इफेक्ट क्या है वो आपको बता देंगे। मैम एक पूछना चाहती हूँ, विद दिस मे बी द लेवल ऑफ द इंट्यूटिव पावर विल बी एनहांसिंग। यस डेफिनेटली, दैट्स द मोटो। यस दैट इज इट, थैंक यू सो मच। और यही सबका आंसर है वैसे तो। हाँ, बिकॉज इसमें सेल्फ अवेयरनेस एक्टिविटी है, एक्टिविटी भी मैंने डाला है इसमें। हाँ ठीक है, थैंक यू, वेलकम। सो सर मैं वापस शुरू से करूँ, व्हाट इज योर यू जस्ट मूव ऑन विद द एनर्जी बॉडी का आपने किया था, जस्ट मूव ऑन एनर्जी बॉडी, ऑरा, इनर ऑरा, आउटर ऑरा सब बताएंगे, चक्रास कैसे काम करता है वो बताएंगे, रिलेशनशिप बिगड़ता है, फिजिकल बॉडी ये डिसीजेस कैसे अपीयर होती है आपके बॉडी में वो भी बताऊंगी, डिसीजेस को कंट्रोल तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ऑब्वियसली वो डेस्टिनी आ जाता है, बट यस हमें अपना इम्यूनिटी कैसे बढ़ाना, अपने आप को कैसे मजबूत रखना, इतना हम कर सकते हैं राइट। एंड माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि जब तक माइंड कंट्रोल नहीं होता है ये जिज्ञासा आती रहेगी और फिर इंट्यूशन नीचे होता रहेगा, ठीक है। एनर्जी सेंटर्स किसको बोलते हैं, आपके ऑरा को या चक्रा को या डिसीजेस को या किसी भी चीज को कैसे स्कैन करना है, ठीक है। डिटेल्ड फंक्शंस ऑफ ऑल द चक्रास, सारे चक्रास का डिटेल्ड फंक्शन जब तक पता नहीं होगा तब तक आप डॉक्टर नहीं बन सकते, तब तक आप हीलर नहीं बन सकते। Healer means you should know about aura, about chakra, about the energy system in your body. तभी आप किसी की healing और detailed में कर सकते हो। And how to connect intuitively with ourselves. पहले आप हमें अपने आप से connect करना है, तब जाके मैं सुमित जी से connect कर पाऊंगी, महाराणा जी से connect कर पाऊंगी या नंदिनी से connect कर पाऊंगी। जब मेरा ही network बिगड़ा हुआ है तो मैं किसी के नेटवर्क के साथ नहीं कनेक्ट कर पाऊंगी। सो दिस इंट्यूटिव हीलिंग का जो कोर्स है, मैं तहे दिल से आप लोगों को एक विनती करती हूँ, पहले अपने ऊपर कीजिए, उसके बाद आप जब पूरा मजबूत हो जाओगे, आपकी मशीन इतनी सॉलिड हो जाएगी, तो आप यू नो यू किसी और की हीलिंग करना स्टार्ट कर। How to become a powerful healer? Obviously, that is the motive. मेरा motive ही वही है, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनको powerful healer बनाने का। कैसे healer बन सकते हो? जब आपकी खुद की body healthy होगी, आप पैसे कमाओगे, earning money, मतलब वो चक्रा majorly सही होना चाहिए। जब relationship हमारा दूसरों के साथ अच्छा होगा, जब हमारा ही relationship अच्छा नहीं है तो यू नो इट्स लाइक हमारा चक्रा ही नहीं है तो हम दूसरों का क्या रिलेशनशिप सही करेंगे। एंड एक और चीज, जैसे द प्लैनेट्स, फाइनेंस, सब कुछ मैंने डाला, वो सब तो अभी आपको एग्जांपल दिखा दिया हमने, है ना। उसके बाद एक साइकिक डस्टबिन हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि अगर आप हीलर बन रहे हो तो आपको थ्रो करने के लिए एक डस्टबिन चाहिए, एक कूड़ादान चाहिए, अपने अंदर हम नहीं लेंगे उसको, ठीक है। अगर
पेशेंट लास्ट मतलब दूसरा पॉइंट, पेशेंट मेरे पास काफी आए हैं, पेशेंट रिसेप्टिव नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो मैं उस कोर्स में ये एड ऑन नहीं किया था, इसलिए वो सीक्रेट रिवील नहीं कर पाऊंगी, बट इस पे मैंने वो सारी चीजें एड ऑन की है जितने भी मेरे स्टूडेंट्स ने डाउट बोला था। कोई पेशेंट अगर रिसेप्टिव नहीं है तो उसको कैसे ठीक करना है? क्योंकि जब तक सामने वाला बंदा आपसे रिसीविंग मोड पे नहीं है, आप चाहे कुछ भी दो, उसका दरवाजा बंद है, हीलिंग एनर्जी अंदर नहीं जाएगी। मैं चाहे इधर बैठ के कितना भी ज्ञान दूं, अगर आप लोग मतलब अगर लोग ये सोचे कि भाई ये क्या बोलेगी, क्या करेंगी, ऐसा सोच रखने वाले के अंदर नहीं जाता है ना, क्योंकि उनका दरवाजा शट है। तो उनको कैसे रिसेप्टिव बनाना है वो हम सिखाएंगे। उसके बाद है ही बैलेंसिंग कैसे करना है, क्लेंजिंग एंड एनर्जाइजिंग कैसे करना है। जी सर, हो गया, बोल दिया, थैंक यू। एंड कंटिन्यूइंग विद दिस दिस जर्नी, दो स्लाइड्स और है सर, वो भी मैंने लिखा था, दे देन यू टेक ओवर। द क्लास विल बी ऑन ट्यूसडेस एंड थर्सडेस, राइट, 5:30 PM टू 7:15 अप्रोक्सीमेटली विल बी दी डेढ़ दो घंटे क्लास होता है, वन मंथ जर्नी है ये। All of the Zoom live sessions होंगे, recording होगा, certification होगा, study notes होंगे, and this is the course detail, and these are the additional payment detail, and this वो जो हमारा existing participants हैं, the course fee is 1579, those who are joining the first time on the academy, the course fee is 2107, these are the detail of the payments where it can be made, and जो screenshot होगा वो इन्हीं दो नंबर पे दीजिए। जो यहाँ पे दो नंबर दिखाई दिए हैं, किसी और नंबर पे स्क्रीनशॉट मत दें, इसी दो नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर करें। यहाँ पे कुछ ऑफर्स थी जो मई टू जुलाई तक की थी, जुलाई इज नॉट क्लोजिंग, तो दिस इज द लास्ट चांस फॉर द जुलाई मंथ, दैट इज 1000 rupees ऑफ ऑन एनरोलमेंट ऑफ 7000 कोर्सेज इन अ मंथ, पर्टिकुलर मंथ, 15% रेफरल डिस्काउंट, 15% ऑफ ऑन मल्टीपल मंथ पेमेंट, इसमें तो 18 मंथ का कोर्स है, 15% डिस्काउंट टू मेंबर ऑन प्रोडक्ट्स। तो ये कुछ ऑफर्स हमने मई में शुरू की थी, which are going to be and this one. So these are the payment details. One can take a screenshot of it or aapke group mein bhi aa jayega ye details. You can make use of it. Aur ye course ka I want to ask one question sir. Ji puchho. Kaun se Tuesday aur kaun se Tuesday se start hai ye? This will be going to start from the next Thursday. I mean to jo is hafte mein jo Thursday aayega tab se start hoga. I tell you the date also. Thursday ka date hoga 4 tarikh. थर्सडे का डेट 4 तारीख होगा, 4 तारीख से स्टार्ट होगा, 4 अगस्त से, राइट, एंड दिस आर द डिटेल्स ऑलरेडी शेयर विद यू, एंड दिस इज द कोर्स डिटेल ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड बाय द संगीता जी। संगीता जी, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कैरी ऑन फ्रॉम देयर, और किसी और कोई प्रश्न इससे रिलेटेड पूछो तो प्लीज रेज द हैंड, एंड संगीता जी यू मे प्लीज, थैंक यू जी। और कोई क्वेश्चन है? Anyone have any questions with respect to the course, curriculum, journey, or जो संगीता जी ने एक्सरसाइज करवाई उससे रिलेटेड, या और किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। नमस्कार, ये कितने ड्यूरेशन की क्लास है? एक महीने की क्लास है ये। हाँ जी, एक महीने की क्लास है ये। एक क्लास कितने ड्यूरेशन की? डेढ़ से दो घंटे। डेढ़ से दो घंटे, और टोटल 8 क्लासेस है? टोटल 8 क्लासेस है, करेक्ट। ओके, यस जी, संगीता जी आपका माइक ऑफ है। सर हो गया, अच्छा, मैं कह रही हूँ नो क्वेश्चन सर, एवरीबॉडी इज क्लियर, एवरीबॉडी इज क्लियर, बढ़िया। ऐसा होता नहीं है, मतलब यू कैन डू सम मोर एक्सरसाइज मीनवाइल, आई मीन इफ दिस इज ओके तो देन यू कैन आल्सो डू a small exercise, some अभी बता, yes मैंने एक रखा हुआ है, एक और, yes please do that so that the participant will be benefited from it. okay जो ये self awareness बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हो ना, self awareness चाहिए, mindfulness चाहिए, so what is that, हम लोग करें, if you guys don't mind. जी please, जिन्होंने चश्मा पहना है सब चश्मा उतार दीजिए, आईज क्लोज कर लीजिए, रिलैक्स योर बॉडी। मैम चश्मा निकलेगा तो दिखाई नहीं देगा, आप नहीं देख रहे हैं भाई, इंट्यूटिव हीलिंग में देखना नहीं है। ओके ओके, सो क्लोज योर आईज,
टेक अ डीप ब्रेथ, आप अपने अंदर टटोल रहे हो, बाहर आपने बहुत देख लिया, अब अंदर जाओ, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल योर लव, आपका लव कितना बड़ा बॉल बनाया उसको इनहेल कीजिए, एंड एक्सहेल ऑल द स्ट्रेस फ्रॉम योर बॉडी. ओके, नाउ मैं एक एक बॉडी पार्ट बोलूंगी आप लोगों को. यू नीड टू स्कैन योर सेल्फ, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम, क्या नेगेटिव इमोशंस फंसा हुआ. ओके, नाउ लुक एट योर राइट फुट एंड टोस, आपके राइट फुट और टोस पे ध्यान दीजिए, उसके मसल्स पे ध्यान दीजिए, उसके ब्लड वेसल्स पे ध्यान दीजिए और पूछिए उनसे कैसे हो. डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है. आर यू फीलिंग फाइन, थैंक यू मेरा भार उठाने के लिए, इतने सालों से मेरा भार उठा रहे हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू. अपने लविंग एनर्जी बॉल से थोड़ा लविंग एनर्जी बांट दो. लेफ्ट फुट में देखिए, बोलिए थैंक यू, इतने सालों से मेरा वेट उठाया आपने, थैंक यू. अब वहां पे देखिए सब ठीक है, आपका मसल, स्केलेटन, ब्लड फ्लो. थोड़ा सा और ऊपर आइए, पूरे नीज को देखिए, कैसा लग रहा है आपको देखने में. इज देयर एनी नेगेटिव इमोशंस स्टक एनीवेयर, किसी तरीके का प्रॉब्लम, इश्यू आपके नीज में, आपके थाइज में, हिप से नीचे पूरा स्कैन कीजिए कैसा लग रहा है, राइट एंड लेफ्ट बोथ. बोलिए थैंक यू सो मच, जो मेरे को मूवेबिलिटी दे रहे हो आप, जो मैं एक जगह से दूसरे जगह जा पा रहा हूं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. शो ग्रैटिट्यूड, पूरे एरिया को प्यार से भर दीजिए, लविंग एनर्जी, अनकंडीशनल लव. नाउ स्कैन योर एंटायर हिप जोन, आपके पेल्विक बोन, हिप, पीछे एड्रिनल वाला पूरा एरिया. How is it? Any kind of negative emotions stuck up hua hai? This is a self-awareness exercise. Aap apni body se baat kar rahe ho. Dekhiye wahan pe jo hip bone hai, wo healthy hai. Uske saath jitne tissues hai, muscles hai, blood flow ho raha hai. Adrenal gland kaisa hai? अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो जस्ट डिस्ट्रीब्यूट द लव, अनकंडीशनल लव देयर. बोलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरा बीपी संभालने के लिए. हर तरीके का मेरे को काम, वेट उठाने में जो मदद करता है, थैंक यू. अब थोड़ा सा ऊपर आइए, आपके लोअर एब्डोमेन, नेवल, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एंड टेस्टीज. ध्यान से देखिएगा, एनी काइंड ऑफ नेगेटिव इमोशंस रिगार्डिंग रिलेशनशिप. Just send the loving energy.
कोई ऐसा क्रिएटिविटी आपको करना है और आप नहीं कर पा रहे हो, ऐसा कोई नेगेटिव इमोशन स्टक हुआ है इधर, जस्ट रिलीज एंड गिव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव. सेंड अनकंडीशनल लव टू दिस एरिया. Now come up, आपके डायफ्राम के नीचे पूरा जो लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, सब चीज को देखिए. भगवान ने इतनी सारी फैक्ट्री लगाई है हमारे अंदर. Now visualize heart, thymus gland, throat, thyroid and parathyroid gland, larynx, esophagus, stomach, और पूरा जो face है जहां पे सारे five senses है हमारे, nose, mouth, eyes, brain, ears. Brain में भी front brain, back brain, left, right, base of the spine, and your entire spine. पीछे पूरे spine को देखिए, जहां पे नाड़ीज होते हैं, जिससे spiritual evolution होती है. ईडा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी. गौर से देखिए, कहीं पर भी किसी तरीके का कोई ब्लॉकेज हो, बोलिए रिलीज एंड सेंड अनकंडीशनल लव टू दैट पार्ट. अपने पूरे बॉडी को अनकंडीशनल लव दीजिए. बस बोलिए, आई एम सेंडिंग अनकंडीशनल लव टू माय सेल्फ. Take a deep breath. Inhale love. Exhale love. Inhale love. Exhale love. Inhale love. Exhale love. Whenever you are ready, slowly you can open your eyes with a big, big smile. मैम, मैं पूछ सकती हूँ प्रश्न? कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? यस मैम. स्कैन करने के टाइम हमें कैसे पता चलता है दिस नेगेटिव एनर्जी और ये पॉजिटिव एनर्जी है? आपको पता चला? मुझे कुछ नहीं, ओनली ब्लैक थिंग सब दिखाई दे रहा था. वही तो करना है ना अभी कोर्स में. Okay. नहीं, आप अभी मीन्स बोला ना, सी वेदर नेगेटिव एनर्जी मीन्स हाउ कैन वी कम टू नो दिस इज अ नेगेटिव एनर्जी. मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पहले ही पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एनालाइज कर लिया होगा. हम ये जो आकाशिक कोर्स, जैसे नम्रता जी हैं, आकाशिक कोर्स के थ्रू हम लोगों ने, मैंने इतना ट्रेन मतलब हो गए हैं कि अब नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, सबको पता लग जाएगा. सो ड्यूरिंग दिस जर्नी, ये जो अभी मैंने कराया है, ये सेल्फ अवेयरनेस की एक टाइप ऑफ मेडिटेशन है. यू नीड टू बी अवेयर ऑफ योर बॉडी. जब आप अपना अवेयरनेस बढ़ाओगे, आपका इंट्यूटिव अपने आप बढ़ेगा. इंट्यूशन अवेयरनेस से बढ़ती है, स्टिलनेस से बढ़ती है. कोई जब आपने वो देखा, लेक बिल्कुल ठहराव के साथ होता है, वैसा बनना है. हमें बहुत सारे टाइड्स होंगे हमारे इमोशन में, तब इंट्यूटिव नहीं काम करता है. जितना स्टिलनेस होगा, जितना ठहराव होगा, उतना इंट्यूशन आएगा. आएगा, आपको भी आएगा, डोंट वरी. थैंक यू. मैं कुछ पूछना चाहती हूँ. हाँ जी मैम. मुझे यहाँ से ना कितने सालों से बहुत पेन है. मैं हीलिंग करती हूँ, बहुत कुछ कर, लेकिन वो वहीं पे स्टक है, वो फ्री नहीं हो पा रही. तो क्या कैसे करूं? एक चीज पूछूं आपसे, इफ यू डोंट माइंड? हाँ हाँ. अभी भी आप आराम से बैठ के नहीं कर पाए?
सो वो रेस्टलेसनेस कितनी ज्यादा है ना. अभी भी मैंने जो एक्सरसाइज किया आप पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे उसमें, है ना. सो उसी को तो लेके आना है, चाहे जितनी भी हीलिंग कर लो ये चीज आने से ही होगी. समझ रहे हो आप? हेलो. हाँ जी. सो ये ना दिस इज अ वेरी डिफरेंट मोडालिटी. आप, मुझे नहीं पता आपने क्या हीलिंग की, कैसे हीलिंग की, बट यस हीलिंग जो है वो भगवान की एनर्जी है. अब वो कैसे काम करता है, किसके ऊपर काम करता है, वो अब आपके ऊपर जब होगा तभी पता चलता है ना. क्योंकि डॉक्टर्स भी नहीं बोलते हैं कि भाई मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, कोई डॉक्टर नहीं बोलता. और कोई सवाल, काशी के बाद कुछ और प्राप्तियां करी हो, कुछ और एक्सपेरिमेंट मोनिका ने बहुत सारा मैजिक क्रिएट किया है, है ना मोनिका जी? यस. कैन यू प्लीज शेयर? आकाशिक फील्ड के अंदर मैंने जैसे मैम ने सिखाया था थोड़ा सा तो हीलिंग करती थी, बट जो मेरी इंटेंसिटी हीलिंग करने की और इंट्यूटिव जो आप पावर कह रहे हो वो वहीं से सीखा है. और जैसे सिर्फ सिंपल बात है, अगर हम डाउट रखेंगे तो वो डाउट रहेगा. कंप्लीटली सरेंडर टू योर गुरु एंड सी द थिंग्स हैपनिंग, दैट्स इट, फॉलो व्हाट शी सेज. मैंने सिर्फ उतना किया एंड आई क्रिएटेड मिरेकल्स. बहुत सारे मतलब मेरे रिलेशंस में जिनकी हीलिंग्स कर पाई और दे वर एबल टू कम आउट ऑफ दैट हॉस्पिटल से घर विद इन 3 days. मतलब नेक्स्ट डे उनके जो लंग्स का था वो पानी हट गया और वो सब इन्फेक्शन होता था. डॉक्टर्स भी हैरान हो गए, बहुत बड़ा केस. यस. और इट वाज अ मेजर कोविड केस एंड नोबडी, सब डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, बट जैसे मैम ने बोला सिर्फ सिंपल इतनी है कि एक तो पहली बात आपको अपने पे विश्वास होना चाहिए, दूसरी बात जैसे मैम बोल रही है जस्ट फॉलो दैट ब्लाइंडली एंड यू विल सी द मिरेकल्स हैपनिंग इन योर लाइफ. I completely surrendered myself. देखो आपका गुरु आपको जो बोल रहा है ना, आप बस फॉलो करते जाओ and see the things happening. Everything will happen. She comes to know. आपको क्या लग रहा है कि मैम को नहीं पता चल रहा कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा? She knows everything. Thank you, Monika. Great experience sharing. Thank you. Thank you so much, sir. Anyone would like to share their experience? कोई भी question भी किसी का है तो जानकारी भी चाहिए, कोर्स रिलेटेड, जर्नी रिलेटेड, एकेडमी रिलेटेड, या जो हमने कैरिकुलम शेयर किया उसके रिलेटेड, तो हम पूछ सकते हैं. और क्लासेस आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द थर्सडे, दैट इज 4th से क्लासेस स्टार्ट हो गई 5:30 से. एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज मेक योर एनरोलमेंट बिफोर दैट. जो एनरोलमेंट शुरू हो जाएंगे उनकी एनरोलमेंट के हिसाब से यू विल स्टार्ट द बैच ऑन द थर्सडे 5:30 PM. और आप सब लोग आए ज्वाइन करें, इसको सीखें. और बहुत ही मजेदार हीलिंग है. इंट्यूशन तो हर एक के पास होनी चाहिए. इंट्यूट तो क्रिएट करना ही पड़ेगा. इंट्यूशन अगर नहीं करेंगे तो अकल के अंदर स्थान बना पाना मुश्किल हो जाएगा. और अदरवाइज आल्सो इन द लाइफ, जनरल लाइफ आल्सो इंट्यूशन तो स्ट्रांग होनी चाहिए. इट्स अ वेरी वंडरफुल जर्नी. इंट्यूशन को अपने आप करना बहुत अच्छी बात है, मजेदार है. तो आप करें सब लोग. किसी का कोई अगर प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कोई जानकारी है तो पूछ सकते हैं. मैम सपोज थर्सडे में ज्वाइन नहीं कर पाए, आई एम आउट ऑफ स्टेशन, देन व्हाट इज नेक्स्ट? अगर आप थर्सडे नहीं कर पाएंगे ज्वाइन तो रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दी जाएगी. आप रिकॉर्डिंग को देख लीजिए और उसमें आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप ग्रुप पे डाल सकते हैं. ग्रुप पे डाल दीजिए अपने, या नेक्स्ट फॉलोड बाई क्लास जो होगी वहाँ पे आपके क्वेश्चन आप पुटअप कर लीजिए, आपके आंसर मैडम कर देंगी. आई मीन दैट विल रिजॉल्व योर इशू ऑफ मिसिंग द क्लास. करेक्ट. जो भी सवाल होगा हम बिल्कुल क्लियर करेंगे उसको. ठीक है मीना जी. ओके थैंक यू. थैंक यू. एंड एनीवन लाइक टू हैव शेयर एनीथिंग? कुछ है सुमित जी, क्या हुआ आज आपको?
सुमित जी ध्यान में मगन मुक्त है। नहीं मैं ना सर यही सोच रहा हूँ कि मैं एक्चुअली मैम को भी मालूम है, मैं हर क्लास में पूछता हूँ कि मेरी इंट्यूशन कब बढ़ेगी कब बढ़ेगी। कर ली मैंने क्लास क्लास शुरू कर दिए तो आई एम जस्ट डंबफाउंडेड। आई सेड व्हाट एल्स कुड आई आस्क द यूनिवर्स। कुछ नहीं पूछ सकते हो, मैंने इसमें सारा कवर कर दिया। नहीं 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 उनका वो दूसरा बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि क्लास इंट्यूशन की आ गई है, पूछ रहे थे कब बनेगी कब बनेगी इंट्यूशन क्लास आ गई। वही तो कहना चाह रहे हैं कि मैं कुछ और भी मांग लेता साथ में। अच्छा वैसे नहीं, ये बहुत लोगों का था सर। हां जी ग्रेट गुड फैंटास्टिक लुकिंग फॉरवर्ड मैम जी। अमोदा जी आपको काफी लंबे समय बाद आप एकेडमी पे आए, मैंने आपको देखा है, एंड कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस इन लास्ट मोर देन एन ईयर जो आपने कोर्सेज किए और जो आपने प्रैक्टिस करी अमोदा जी, इफ यू आर देयर। वीडियो इज ऑफ, एक्चुअली वीडियो ऑफ होने के बाद ये नहीं समझ में आता कौन पर्दे पे है कौन के पर्दे पे सो गया। सही बात है। और आप मेडिटेशन करवा देते हो उसको ऐसी नींद आ जाती है। तो आधे लोग तो सो ही जाते हैं इसलिए मेडिटेशन के बाद। True, I think अमिता जी हैं। जानवी जी ने मैं हैंड रेस किया। जी सर, हम गर्ल के नाम पे पेमेंट करना है। क्या कह रहे हैं? सॉरी। पेमेंट किस नंबर पे करना है सर? Alright, so I am sharing the screen once again. चार नंबर। हाँ। ये दो नंबर पे डिटेल दिया आपको, इस नंबर पे कर दीजिए। पूनम गोयल लिखा हुआ नंबर दिया हुआ बैंक स्क्रीन है। ये स्क्रीन आप स्क्रीन का पिक्चर ले सकते हैं, स्क्रीन का पिक्चर ले लीजिए और इस नंबर पे आप शेयरिंग इस नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हैं। शेयरिंग के लिए दो नंबर ये साइड में मैंने दिया है, यहाँ पे जो स्क्रीन शॉट होगा प्लीज शेयर ऑन दीज टू नंबर ओनली, दीज टू नंबर स्क्रीन शॉट टू बी शेयर ऑन दीज टू नंबर ओनली, ताकि हम उसका कंट्रोल मैकेनिज्म हमने डेवलप जो किया उसको हम कर सकें। और ये एकेडमी का नंबर था जिनको आप सेव कर सकते हैं, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो बात करना तो इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जी राइट, सो नो क्वेश्चंस नो कमेंट्स नो फीडबैक, शांति आज तो बहुत ज्यादा, क्या बात है सर, ऑन हो गया सबका इंट्यूटिव शांति क्लासेस सर। वेटिंग मैडम फॉर द Thursday, yes, full journey. चलिए thank you. चलिए फिर आज की हम वेबिनार को स्वागत करने की आप सबसे ज्यादा चाहेंगे, आप सबके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सबने समय दिया, क्योंकि समय दिया और आज का वेबिनार ज्वाइन किया। एंड वुड लाइक टू सी यू ऑल ऑन थर्सडे शाम को सब लोग मिलते हैं फिर से, एंड वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार आप सब लोगों को। Thank you, sir. Thank you, everybody. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Thank you. Take care.